मैंने आपको कुछ दिनों पहले बिलासी के जो बड़ा सा पंडाल बन रहा था वो हमने दिखाया था, उसमें सिर्फ बांस वगैरह लगा हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं लगभग जो है 80% काम यहाँ पर पंडाल का हो चुका है। देखिए मैं आपको यहाँ से घुमा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए काम जो है लगभग 80% हो चुका है। यहाँ पर जो है कपड़ा और बाकी चीज जो लगना फोम का जो भी स्टेचू वगैरह वो बाकी है। इधर आप देखिएगा तो बैल्कनी का जितना भी चीज है वो लग चुका है, इधर वो लगना बाकी है। बाकी सारा सामान जो है यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर अनलोड हो रहा है, यही सारा सामान जो है यहाँ पर लगने वाला है। फिलहाल आप देख लीजिए ये पंडाल, मैंने आपको जगह भी बताया था बिलासी में जो है, ऊपर बिलासी है जहां पर ये पंडाल बन रहा है, और ये वेटिकन सिटी का एक चर्च बन रहा है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, श्रीभूमि में जो चर्च बना था, जो वेटिकन सिटी का जो पंडाल बना था 2022 में, बस वही पंडाल यहां पर बन रहा है और उससे बड़ा आकार का बन रहा है। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं, अंदर जो है किस प्रकार का नज़ारा है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। लेकिन आप जब दर्शन करने के लिए आइएगा तो आप यहाँ से नहीं जाइएगा, बल्कि वहाँ से आपको बाएँ तरफ से एंट्री मिलेगा और वहाँ से जो है घूमते हुए आप लोग बाहर निकलिएगा। तो चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं और जो कलाकार हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं क्या कुछ जो है अभी तैयारी चल रहा है यहाँ पर। देख लीजिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा जो है आपको यहाँ पर मेन गेट देखने को मिलने वाला है, और जब आप लोग दर्शन के लिए आएगा तो मैंने जैसा बताया बाहर से आपको दिखाया, इधर से ही आना है। ये देख लीजिए इधर से आपको आना है और यहाँ से जो है आपको माता का दर्शन करना है और फिर इधर से बाहर निकलना है। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर जो है काम तेज रफ्तार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है झूमर वगैरह सारा कुछ लग चुका है, इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें लगना बाकी है, जो कि यहाँ पर पंडाल आप मान सकते हैं पंचमी शाम या फिर षष्ठी से जो है ओपन होने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हैं काम जो है कितने रफ्तार से चल रहा है, और यहाँ पर जो है फोम वगैरह कटिंग करते हुए आपको दिख जाएंगे लक्ष्मण जी। चलिए इनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ जो है और यहाँ पर लगने वाला, ऊपर में जो घड़ी वगैरह लगेगा उसका जो है यहाँ पर अभी कटिंग हो रहा है। चलिए जानकारी लेते हैं क्या कुछ और जो है इस पंडाल में बनने वाला है। आज पूजा के दिन पंचमी को ये कम्प्लीट हो जाएगी और छठ पूजा से यहाँ ये हो जाता है चालू पूजा का यहाँ, और प्लस शिवम डेवोटर्स के माध्यम से ये बन रहा है। देवघर के सबसे बड़े अभी इवेंट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कार्य वही कर रहे हैं, और पूरा देखते हैं सावन में सारा काम उन्हीं का रहता है। बहुत बढ़िया और सरल आदमी है, उन्हीं के थ्रू हम लोग कटिंग का काम पकड़े हैं जो हम लोग कर रहे हैं अभी। तो देख सकते हैं ये कटिंग वगैरह जो है ये हो रहा है, ये जो घड़ी बन रहा है क्या जी? ये घड़ी बन रहा है। तो देख लीजिए ये जो काम हो रहा है यहाँ पर, ये घड़ी बन रहा है, और क्या कुछ इसमें लगने वाला है आप बताइए, जो अभी तक जो बना है उसके बाद अभी क्या कुछ लगेगा? स्टेचू है जो ऊपर रहेगी, जो वेटिकन सिटी में जो लगा हुआ है, जैसे चर्च का जो रहता है स्टेचू, और ये पीछे में इसमें भी काम होगा कुछ। बहुत सारा काम अभी बाकी है, वो कम्प्लीट होने के बाद आप बहुत मतलब विस्तार से देखिएगा क्या कैसा यहाँ पे सजावट है क्या है। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर लक्ष्मण जी जो कटिंग कर रहे थे, जो यहाँ पर डिजाइन का काम कर रहे हैं फोम का, उन्होंने आप लोगों को बताया जो है किस प्रकार से यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ पंडाल में लगने वाला है। साथ ही देखिए अभी जो है यहाँ पर काम चल रहा है, वो फिर से अपने कटिंग के काम में लग गए हैं, और पंडाल जो है पंचमी या षष्ठी से जो है प्रारंभ हो जाएगा सभी के लिए। इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं सारा जो है फोम वगैरह कट करके यहाँ पर रखा गया है, यही सब जो है ऊपर में लगेगा। ये देख सकते हैं पेड़ वाला जो आकृति है, ये सारी चीजें उधर लग चुका है, ये सब जो है अभी कलर होकर यहाँ पर टंगा हुआ है, यही सारी चीजें जो है पंडाल में लगने वाला है। ये आप देख सकते हैं जो भी है सारा कुछ जो है कलर करके रखा हुआ है, देखिए कितना चीज़ जो है कटिंग होके यहाँ पर तैयार है। इसमें कलर होगा, जो जो सफ़ेद है उसमें ये कलर होने वाला है, इसके बाद ही ये लगेगा। फिलहाल चलिए मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, अगर आप पंडाल के अंदर आइएगा तो इधर से ही आपको आना, आगे जो इधर उधर काम चल रहा है जिस कारण से अभी हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना है किन्हीं को, इससे आपको इधर अंदर आना है, और अंदर आने के बाद जो है आपको यहाँ से जो है माता रानी का दर्शन करना है और इधर से बाहर जाना है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाते हुए लेकर चलता हूँ, ये जगह जो है आप देख लीजिए, इधर से ही जो आपको माता का दर्शन करके बाहर जाना है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है डिजाइन का काम किया गया है, एकदम बारीक बारीक चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार से मेहनत करके जो है इस प्रकार का पंडाल तैयार किया जाता है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए झालर वगैरह सारा कुछ लग गया, तो यहाँ से जो है आपको इस प्रकार से बाहर जाना है। देख लीजिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए यही जो है एग्जिट है, और सेम जो है आपको उस तरफ से जो है इसमें एंट्री करना है। तो देख लीजिए मैं आप लोगों को पूरा पंडाल अभी घुमा के दिखा रहा हूँ, और आज 4 तारीख है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, आज जो है डेट वगैरह अभी मैं बताते हुए चलता हूँ क्योंकि लोग बता देते नहीं आज जो है ओल्ड वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ से देखिए अब मैं जो है पंडाल के बाहर आ चुका हूँ, और बाहर से अभी कुछ इस प्रकार का ये पंडाल दिख रहा, आपको वहाँ से एंट्री करना है और घूमते हुए माता का दर्शन करने के बाद आप यहाँ से बाहर निकलिएगा। तो फिलहाल जो है इतना काम यहाँ पर हो चुका है, और जो भी काम बचा है 2 दिन में ये
पूरा हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। साथ ही बाबा धाम का हर एक पंडाल आपको हम दिखाएंगे, दुर्गा पूजा का जो भी पंडाल यहाँ पर बनेगा और पूरा पूजा जो है आपको घुमा कर दिखाएंगे। तो आप जो है चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही कोलकाता का भी पंडाल आपको आगे देखने को मिलेगा। मैं कल ही निकल रहा हूँ कोलकाता के लिए और वहाँ पर जो जो बड़ा बड़ा पंडाल है वो भी आगे आपको हम दिखाएंगे। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो यहाँ भी पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।